जय माता रानी। आपके अपने प्राचीन ज्ञान चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है भक्तों। चैत्र नवरात्रों में ज्वारे का क्या करें, अखंड ज्योत की बात का क्या करें, अखंड ज्योति में जो तेल होता है बच जाता है उसका क्या करें, नवरात्र कब समाप्त होंगे और कब से शुरू हो रहे हैं, 2024 में कन्या पूजन कब करें और हरे भरे जौ का क्या करें। भक्तों, आज हम जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। माता रानी, जो आपकी इस वीडियो को सच्चे दिल से लाइक करें उसकी गरीबी जन्म जन्मांतर की परेशानी दूर कर देना। भक्तों, मुझे यह वीडियो फिर से इस वजह से बनाना पड़ रहा है ताकि नवरात्रि में आप सब बाद में गलती न कर बैठें। अर्थात नवरात्रि के बाद में जो चावल होते हैं, जो ज्वारे होते हैं, जो जोत की बत्तियां होती हैं, जितनी भी हम नवरात्रि के समय में सामग्री चढ़ाते हैं, उन सब का क्या करें, ये सब आप गलत तरीके से नदी में विसर्जित कर देंगे और इसके फायदे नहीं जान पाएंगे। इसलिए एक वीडियो फिर से मुझे बनाना पड़ रही है और मैं आप लोगों को फिर से जानकारी बता रहा हूँ। तो भक्तों, यह वीडियो ध्यान से देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि सामग्री का क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले जानते नवरात्रों का समापन कब होगा। 17 अप्रैल दिन बुधवार के दिन नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, यानी आखिरी व्रत 17 अप्रैल को सुबह रखा जाएगा और कन्या पूजन इसी दिन किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप में से अधिकतर जो लोग हैं नवरात्रि में बहुत सारे गलती कर बैठते हैं। 9 दिन तक आप माता रानी की खूब पूजा करते हैं और भक्तों, माता रानी की पूजा करने के बाद जो चावल होते हैं, जो श्रृंगार का सामान होता है, अगरबत्तियां की जो कही जाए जली हुई भस्म होती है, जो श्रृंगार का सामान होता है, जो दैवी सिक्का होता है, यह सब नदी में जाकर के विसर्जित कर देते हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से आपको आज इसके बारे में विस्तार पूर्वक और सटीकता से यह जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान का उद्देश्य है कि जन कल्याण करना, क्योंकि दोस्तों अधिकतर लोगों को नवरात्रि में 9 दिनों तक खूब पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद भी उन्हें फल नहीं मिलता। क्यों फल नहीं मिलता, यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। माता रानी स्वयं उन्हें प्रसाद देकर के जाती है, उनको फल प्रदान करके जाती है, लेकिन व्यक्ति उस फल का सदुपयोग नहीं कर पाते। देखिए भक्तों, अगर कुआं आपके पास में है और अगर आप कुएं में से पानी नहीं निकलोगे तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी। ठीक उसी प्रकार आपको जानकारी नहीं है तो प्रसाद तो आपके पास में है लेकिन उसका प्रयोग करना नहीं कर रहे हैं। भक्तों, कहने का मतलब है मैं जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से आपके जीवन में चल रही परेशानी, गरीबी, रोग, दोष, तकलीफ, हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होगी। वीडियो को ध्यान से देखना। आज मुझे अपने गुरुओं के द्वारा प्रेरणा मिली है, माता आदिशक्ति के द्वारा प्रेरणा मिली है, इसलिए यह जानकारी बता रहा हूं। अगर भक्तों हमारी वीडियो में बताए गए उपाय से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है तो हमें भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी काफी आशीर्वाद आप सभी दर्शकों का प्राप्त होता है और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए, मैं समय ना लेते हुए आज की जो वीडियो है उसे शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, नवरात्रि के समय में आप कौन सी गलती करते हैं जिससे आप निधन रह जाते हैं। तो देखिए, ऐसा कहा गया है कि अधिकतर लोग जो चावल होते हैं, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हम निवेदन करते हैं कि वीडियो को ध्यान से सुनेगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप नवरात्रि का पूरा लाभ उठा सके और यह जानकारी आगे जाकर आपको और भी उपयोगी हो सके। भक्तों, पूजा पाठ करने के बाद जो बचे हुए चावल होते हैं माता रानी को जो हम चढ़ाते हैं, वही चावल की मेन बात कर रहा हूं ना, कि ढेर सारे चावल रहते हैं उनकी, जो माता रानी को हम क्षमा याचना करने के दौरान जो चावल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, सिक्के चढ़ाते हैं, वह सब नदी में बहा देते हैं। वहां आपने 9 दिनों तक माता रानी की पूजा की, माता रानी ने आपको प्रसाद स्वरूप चावल दिए, पोस्ट दिए, सिक्के दिए, उसे आप नदी में बहा देते हैं। भक्तों, यही सबसे बड़ी मूर्खता है। 9 दिन का फल आपने क्या किया, सीधे नदी में जाकर के बहा दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए जो चावल होते हैं। दोस्तों, पिछली वाली वीडियो में भी मैं आप लोगों को नवरात्रि की जानकारी बता रहा था, उसमें भी बताया है जो नवरात्रि में जो बचे हुए माता रानी के चावल होते हैं, खड़े हुए चावल होते हैं, इन चावलों को आप अपने भंडार में रखें
अन्न भंडार का मतलब जैसे कि आप अपने घर में जो चावल पका करके खाते हैं उसमें डाल दीजिए, कुछ धन स्थान पर रख दीजिए। अब इसके बेनिफिट सुन लीजिए। और जो पुष्प रहते हैं आप इसे धन स्थान में सुखा करके रखें, अपने पर्स में रखें। जो सिक्के होते हैं इसे भी धन पेटी या पर्स में रखना चाहिए। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो चावल होते हैं माता रानी को छड़े हुए मंत्रों से सिद्ध होते हैं। माता रानी को छड़े होने के कारण नवरात्रि में माता नवदुर्गा साक्षात स्वरूप में विराजित रहती है। तो ये जो चावल होते हैं जागृत अवस्था में हो जाते हैं। यदि भक्तों आप इस प्रकार के चावल को आप खाते हैं तो आपके शरीर में दोस्तों आपको चावल एक साथ नहीं खाने हैं। आपके घर पर कभी भी चावल बनाएं तो उसे चावल में एक या दो चावल के दाने मिला देने हैं। देखिए दोस्तों इसे होता क्या है कि आपके शरीर में इस चावल को खाने के बाद रोग दोष भी आदि किसी भी प्रकार की जो आपके शरीर में कष्ट है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, वह दूर हो जाती है। और भक्तों माता रानी की आपको कृपा प्राप्त होती है। माता रानी की कृपा से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिस ऊर्जा से आप अपने आप को स्वस्थ करते हैं। और आप जहां भी चले जाइए, जिस भी कार्य को करिए वह कार्य आपका सफल होता है। और भक्तों आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी इन चावलों को थोड़ा सा खाते हैं आपका पेट भर जाता है, यानी कि इसमें तृप्ति जल्दी मिलती है। और आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहेगी। आप में से अधिकतर जो भक्त हैं माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाते हैं। और श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसे आप लोग नदी में बहा देते हैं या फिर अन्य को दे देते होंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ाते हैं माता रानी के लिए, 9 दिन के बाद इस श्रृंगार के सामान को आपके घर की जो शादीशुदा महिलाएं हैं उन्हें देना चाहिए। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जब तक वह माता बहने श्रृंगार करेंगे, जो भी माता रानी को चढ़ा हुआ आपने दिया श्रृंगार करेंगे, तब तक अगर साक्षात स्वयं काल भी उनके पास आ जाए, उनके पति को ले जाने के लिए मृत्यु के घाट उतारने के लिए, तो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इससे उसे स्त्री को अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है। महिलाएं घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। इसीलिए भक्तों विशेष कर ध्यान रखें कि जो बचा हुआ माता रानी को चढ़ाया गया श्रृंगार का सामान होता है माता बहनों को देना चाहिए। अब इधर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप में से अधिकतर भक्त जो जोत का बचा हुआ तेल होता है इसे क्या करते हैं? नदी में विसर्जित कर देते हैं। सबसे बड़ी यही गलती है। जो जोत का बचा तेल होता है वो नवरात्रि में जो जोत आप लोग जलाते हैं तो क्या होता है, 9 दिन तक जोत जलने के कारण जोत में जो तेल बचा हुआ होता है जागृत अवस्था में होता है। और भक्तों जागृत चीज ही अपना पूर्ण से प्रभाव दिखाती है। आपने देखा होगा सभी मूर्तियों की पूजा नहीं होती। जब कुम्हार मूर्ति बनाता है या फिर पत्थर वाले जो कारीगर मूर्ति बनाते हैं तो उस मूर्ति की पूजा नहीं होती, उसी मूर्ति की पूजा होती है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा हो। तो भक्तों कहने का मतलब है कि ज्योति का जो बचा हुआ तेल होता है जो जलने के कारण जागृत अवस्था में हो जाती है। तो अगर आपके हाथ पैरों में दर्द होता है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू कर दिया, आपको शंका हो रही है, तो इस स्थिति में आप क्या करें? जो जोत का बचा हुआ तेल होता है आप अपने सिर में लगाइए, अपने शरीर में जहां दर्द होता है उन हिस्सों पर लगाइए। तो आप अपने जो शरीर के आपको 7 हिस्सों में लगाना होता है, तो शरीर पर कैसा भी तंत्र विकार लगा है, किसी ने काला जादू, भयंकर काला जादू कर दिया हो, तो यह माता रानी की साक्षात कृपा होती है। तत्काल देखना, 5 मिनट में आराम मिलेगा। आज हमें हमारे गुरु के द्वारा इस वजह से प्रेरणा मिली कि यह जानकारी समाज में बताई जाए। इस जानकारी से आपका भला होगा। अब जो आपको किसी तांत्रिक या ओझा के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके चक्कर आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 1 साल के लिए जोत का बचा हुआ तेल बचाकर रखें। सिर होता है, सिर दर्द वाले हिस्से पर लगा सकते हैं। अगर किसी कारणवश कभी कभी ग्रह नक्षत्रों की पीड़ा के कारण सिर दर्द होता है तो वह सिर दर्द होना बंद हो जाता है। यानी कि जितनी भी ग्रह है, राहु है, केतु है, दुष्ट शक्तियों के द्वारा आपको सताया जा रहा है, 3-7 हिस्से में बस लगाना होता है। शरीर के 7 हिस्सों में लगा लीजिए, सिर, पैर, हाथ, कोहनी, या फिर आप अपने हृदय में लगा सकते हैं, कंठ में लगा सकते हैं।
इस प्रकार से आपको 7 हिस्सों का चुनाव करना होता है। तो कैसी भी आपके जीवन में परेशानी हो, शरीर में शारीरिक पीड़ा हो, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। भक्तों, चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगरबत्ती आप जलाते हैं या फिर आप गोबर के कंडे जलाते हैं या फिर आप माता रानी के लिए जो भी चीजों को जलाते हैं, तो भक्तों भस्म का क्या करना चाहिए? जलाने के बाद जो अंतिम चीज होती है वहां चीज भस्म होती है। भस्म का क्या करना चाहिए? तो भक्तों, हम आपको बता देते हैं कि इस भस्म को पूरे साल के लिए, एक साल के लिए इस प्रकार की भस्म को बटोर करके रखना चाहिए। जो अगरबत्ती की भस्म है या फिर कहा जाए गोबर के कंडे की भस्म रखी है, क्योंकि माता रानी को हम जो कच्ची धूप जलाते हैं उसकी भस्म भी काफी सारी हो जाती है। क्या इसे में नदी में बहा देना चाहिए? अगर ज्यादा है तो नदी में बहा दीजिए, बाकी कम से कम आपको एक साल के लिए आपको यह भस्म अपने पास में जरूर रखनी चाहिए। भक्तों, हम भस्म के बेनिफिट बता रहा हूं और इसके फायदे बता रहा हूं। इससे पहले अभी तक जय माता दी नहीं लिखा है तो जय माता दी लिख दीजिए, इससे हमें वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है और माता रानी की कृपा आपके ऊपर और हमारे ऊपर सदा बनी रहती है, उसमें हमें आनंद मिलता है। तो भक्तों, जो भस्म होती है इसका क्या करना चाहिए? अगरबत्ती की जो भस्म होती है इसे पूरे एक साल के लिए आपको बचाकर रखना होता है और इसे थोड़ी थोड़ी आपको खानी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो, आपकी प्रगति हो, तो ये थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाना शुरू कर दीजिए। आपके जो सोचने समझने की क्षमता है इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि आपके आसपास में रहने वाले लोग जितना सोचते हैं उसे 1000 गुना ज्यादा आपकी सोच बढ़ जाएगी। दोस्तों, जिस भी कार्य को करने के लिए जाएंगे उस कार्य में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। और भक्तों, एक खास बात, छोटे बच्चों को नजर तो बहुत ही जल्दी लग जाती है, तो जो अगरबत्ती की भस्म होती है माता रानी के लिए 9 दिनों तक आपने भस्म जला करके रखी है, उस भस्म का थोड़ा सा तिलक आप जो हैं उनके मस्तक पर लगाइए, या फिर चाहते हैं तो जिस हिस्से में दर्द हो रहा है, जैसे कि पेट में अचानक से दर्द हो रहा है, उस हिस्से पर आप जो है इस भस्म को रगड़ दीजिए, अच्छी तरीके से भस्म लगा दीजिए। तो पेट में अगर प्रेत लगा हो, प्रेत भस्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर दर्द हो रहा है, सिर में लगा दीजिए। यानी कहने का मतलब है कि यह आपके हर प्रकार के दुख तकलीफ बाधाओं को दूर करने का काम करता है। नित्य खाएंगे, अपने छोटे बच्चे को खिलाना शुरू कर दीजिए। पढ़ने लिखने में कमजोर है, ऐसे में जो बुद्धि स्थिर हो जाएगी, कई लोग पढ़ने लिखने को बांध देते हैं, कई लोग किसी की किस्मत को बांध देते हैं। तो भक्तों, इन सारी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इस भस्म का तिलक प्रतिदिन जरूर लगाइए। अगर दोस्तों आप इनका तिलक लगाते हैं तो फिर यह अति उत्तम है, सोने पर सुहागा होगा आपके लिए और आपके बच्चे की जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है काफी बढ़ जाएगी। आप जहां भी जाएं आपको भी अध्यात्म उन्नति मिलेगी इस भस्म का। जब तक तिलक आपके सिर पर लगा रहेगा कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। और भक्तों, यदि आपके ऊपर कोई व्यक्ति तंत्र विकार करता है या करने का प्रयास भी करेगा तब भी नहीं लगता है। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। आइए जानते हैं कि जोत की बात का क्या करना चाहिए। आप में से अधिकतर भक्त या तो नदी में बहा देते हैं और अधिकतर लोग हैं यह धन स्थान पर रखते हैं, इससे फायदा नहीं मिलता। दोस्तों, जोत की बात ही हमेशा जागृत अवस्था में रहती है। ध्यान से सुनना, जो कि बात को हमेशा आप जो है अपनी बाजू पर पहनना, बाजूबंद की तरह आपको इसे पहनना चाहिए। अगर लड़की है तो लड़की से अपनी भुजा में आपको इसे पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद होता है, यह साक्षात मां दुर्गा की कृपा होती है, प्रसाद होता है। 9 दिन तक अखंड जलने के कारण यह चैतन्य हो जाता है, इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें शक्ति आ जाती है। इसलिए इसे पहनने के बाद कई प्रकार से फायदे मिलते हैं। अगर आप इस प्रकार के फायदे लेना चाहते हैं तो ये जोत की बात अवश्य धारण करें। इसको धारण करने के बाद जो 9 प्रकार के फायदे कहे हैं संत महात्मा ने, वही फायदे मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक भक्तों कमेंट बॉक्स में जय माता रानी नहीं लिखा है तो जय माता रानी लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।
इसका पहला फायदा है कि अकाल मृत्यु एवं दुर्घटना से बचाता है। अगर कोई भी व्यक्ति इसे बाजू में पहनता है, धारण करता है, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी दुर्घटना नहीं होती, ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसे व्यक्ति के साथ में साक्षात माँ दुर्गा की शक्तियां चलती है। ये जो आप धागा धारण कर रहे हैं ना, ये आप जो बाजू में बांती पहन रहे हैं, ये कोई साधारण बत्ती नहीं है, ये साक्षात नव दुर्गा का आशीर्वाद होता है। ये एक प्रकार का सुरक्षा कवच होता है, तो इसे पहनने के बाद कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती एवं दुर्घटना से यह हमेशा बचाव करने का काम करता है। भक्तों, इसका दूसरा फायदा नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। आप में से अधिकतर भक्त हमें बोलते हैं कि नजर दोष से परेशान रहते हैं, क्या करें। तो अगर आप नजर दोष से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति में किसी की नजर दोष ना लगे, आपकी उन्नति हो, प्रगति हो, तो बिल्कुल ही इसे धारण करिए। यह नजर दोष एवं तंत्र बाधा से बचाता है। कितना बड़ा तांत्रिक व्यक्ति क्यों ना आपके ऊपर में तंत्र क्रिया कर दें, वह तंत्र क्रिया नहीं लगेगी, सदा बचे रहेंगे। भक्तों, इसका तीसरा फायदा भूत प्रेत एवं नीच शक्ति से बचाता है। आप कहीं भी मरघट में जाकर के सो जाएं, इसको पहनने के बाद भूत प्रेत आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो भूत प्रेत एवं नकारात्मक शक्ति से इसको पहनने के बाद हमें बचाव होता है। भक्तों, इसका चौथा फायदा लक्ष्मी की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। जो लोग चाहते हैं कि माता लक्ष्मी सिद्ध हो जाए, उनके जीवन में उनकी कमी न हो, तो ऐसे व्यक्ति से अवश्य धारण करें। लक्ष्मी माता की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है एवं नव दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलता है। इसका अगला फायदा दैहिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। इसको धारण करने के बाद जो लोग दैहिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, दैविक सुख प्राप्त करना चाहते हैं, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। इसका छठा फायदा मनोवांछित कार्य सफल होता है। आपने लंबे समय से जो मनवांछित कार्य सोच करके रखा है, वह सफल नहीं हो पा रहा है, तो इसको धारण करने के बाद मनोवांछित कार्य सफल होना शुरू हो जाता है। भक्तों, इसका अगला फायदा इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। तो इसको धारण करने के बाद इच्छित नौकरी की प्राप्ति होती है। इसका आठवां फायदा दैविक सिद्धि की प्राप्ति होती है। नौवां फायदा मां दुर्गा आपके शरीर में हमेशा अंश रूप में विराजमान रहती है। जब तक आप इसे धारण करेंगे, तब तक मां दुर्गा अंश रूप में आपके शरीर में विराजमान रहेंगे। और जाहिर सी बात है, जिनके शरीर में नव दुर्गा वास कर जाए, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अन्न धन एवं किसी भी प्रकार की वस्तु का अभाव नहीं होता। तो ये वीडियो देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि जोत की बाती का क्या करना चाहिए। अगर यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और जन कल्याण के लिए इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करना। इस वीडियो को देख कर के बहुत से लोगों का भला हो सकता है। और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूले। धन्यवाद।